अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं हूं गुलाम मुर्तजा। और यार, आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अभी मलेशिया में हूं, तो बस अभी रेडी शेडी हुआ हूं। और अभी जो हम जा रहे हैं वो हेड ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि अभी हेड ऑफिस का जो है हमारा विजिट है। और बस अभी रेडी शेडी हो गया हूँ और उसके बाद जो है अभी हम बस निकल रहे हैं। आप लोगों को एक बार जो है मैं व्यू दिखा दूँ यार, यहाँ का व्यू चेक करें भाई। यार ये इधर कब्रिस्तान है और ये बिल्डिंग से, यार ये बिल्डिंग से ये कुआलालंपुर देखें, उसके साथ रूम भी देख ले मेरा। तो भाई मैं रेडी हो गया हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यार। वैसे भाई रेडी हो गया हूँ और यार अभी जा रहे हैं लिफ्ट में, तो मैं जाने वाला हूँ 1804 ये रूम नंबर है। और बस अभी ये लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे लिफ्ट आ जाती है तो यार चलते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग नीचे वेट कर रहे हैं हमारा। ये देखे बाहर का बड़ा ज़बरदस्त मौसम है भाई, तो ये वेटिंग एरिया है यहाँ पे। यार मैं अभी जो है रेडी हो गया हूँ अलहमदिल्ला, और बस तकरीबन सारे लोग आ गए हैं, तो अभी हम तैयारी बस वेट करें जाने का। बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब रेडी शेडी हो गए, तो बस अभी चलना है हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस का यार बड़ा वो है, हेड ऑफिस में जाके कुछ काम की बातें, कुछ बिजनेस की बातें हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं ये भाई आपका भाई है, रेडी हो गया हूँ। और ये सामने होटल की रिसेप्शन है, और यहाँ पर जो है एक नई चीज़ आई है और वो है ये। यहाँ पर इन्होंने होटल माया का जो है इन्होंने ये कलरफुल एक बनाया है, इन्होंने पूरा एक कल्चर दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 31 अगस्त को, तो ये उसकी तैयारी कर रही है। कितना ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने, ये पूरे कलर से बनाया है इन्होंने। बाहर आए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से होटल, भाई किस तरह से ये होटल ऐसा है। और इसके सामने बिल्कुल ये एक होटल है जिसका नाम है पलीता। क्या नाम है भाई इसका? पलीता। ठीक है, पलीत नहीं, पलीता याद रखिएगा, पलीता नाम है। और बिल्कुल पलीता के सामने ये ट्विन टावर है, यहाँ पे ये ट्विन टावर है, और उसके साथ जो है ये पलीता है, पलीता फिर ट्विन टावर, और ये हमारा होटल। अब देखिए हम इस जगह पे रह रहे हैं भाई, बिल्कुल उसमें सेंटर में रह रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में रह रहे हैं। रोड पे हम चल लिया अभी हमने, और बस अभी चलते हैं। अरे हाँ, ये भी देखें, ये सऊदीया में आपने किसी ने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, वो था एक हुपॉन था यहाँ पे, ये बीमी नाम करके कोई कंपनी है। तो बस अभी यार किसी का वेट कर रहे हैं, ये सामने ही हमारा हेडक्वार्टर है होटल के सामने, तो बस ये सामने ये वाली बिल्डिंग, ये जो दरख्तों के पीछे नजर आ रही है यही बिल्डिंग है, यही हमारी बिल्डिंग है इसका हेड ऑफिस का, वन एंड ओनली ट्विन टावर ये होटल। तो बिल्कुल हम सेंटर में रह रहे हैं, तो बस अभी चलते हैं यार, क्योंकि शाम की होने वाली है, तो आज का डिनर जो है वो शायद फिर हमारे कंपनी के मालिकान से हो, तो बस अभी चलते हैं। और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिस्टम है, अगर आपने यहाँ से रोड क्रॉस करना है तो पहले आपको ये डबन दबाना पड़ेगा, फिर वेट आएगा, फिर आप यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि आप रोड क्रॉस कर ले ऐसे ही जहाँ से आपको रास्ता मिल जाए। ये गाड़ी चेक करें भाई, गाड़ी चेक करें यार, एक से बढ़ के यहाँ पे एक गाड़ी है यहाँ पे। ये बिल्डिंग्स देखें यहाँ पे, भाई ये रास्ते में जो है टूरिज्म सेंटर आ गया, टूरिज्म मलेशिया टूरिज्म सेंटर। कोई भी टूरिस्ट को परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो वो यहाँ आकर देख ले। हम पहुँच गए भाई अपने इसमें ऑफिस में, ये है भाई बरजाया सेंट्रल पार्क, ये हमारा हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर यही है हमारा बरजाया सेंट्रल पार्क। ये डाउनटाउन में ही है, और ये बिल्डिंग देखे भाई सेंट्रल पार्क। कंपनी लेजेंड है, वही कह रहा हूँ ना, कंपनी लेजेंड है, बात खत्म। भाई अभी हेड ऑफिस पहुंच गया हूं मैं, और ये हमारी बिल्डिंग है,
और बस अभी जगह पे चलते हैं अंदर, क्योंकि हेड ऑफिस की एंट्रेंस दिखना बहुत ज़रूरी था और एंट्रेंस देखे हेड ऑफिस की भाई, यहाँ पे चेक करें। सब जो है अपने पासपोर्ट देके अपने एंट्री अरे वाह, ये भाई होटल माया, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और ये सेंट्रल पार्क, वाह। अभी हम पहुँच चुके हैं अपने हेड ऑफिस में और जो है पीछे होटल माया है। अभी जो है मैं सिर्फ हेड ऑफिस में हूँ और हेड ऑफिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आने वाला हूँ यहाँ पे किसी बिजनेस के सिलसिले में मैं आया था और इस वक्त जो है मैं हेड ऑफिस में हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा हेड ऑफिस का व्यू करवा देता हूँ और ये रिसेप्शनिस्ट है भाई, इसके साथ यहाँ पे कुछ रूम्स है, किट जेड और अगर हम बाहर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भाई हमारा ये ऑफिस था। भाई हमारी मीटिंग खत्म हो गई और अभी जो है सब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। डिनर का टाइम हो गया है 7 बजे और बस अभी चलते हैं क्योंकि बस अभी मीटिंग खत्म हो गई, घर जाके खाना खाते हैं।